नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूरा मामला जनपद कानपुर देहात तहसील सिकंदरा क्षेत्र के रसधान ग्राम पंचायत का है, जहां सरकारी जीएस जमीन होलिका दहन स्थल नाला जमीन पर अधिकारियों की मिलीभगत से भूमाफिया दबंगई के बल पर निर्माण करा रहे हैं। वहीं ग्राम प्रधान के द्वारा अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते भूमाफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। वहीं सूबे की मुखिया योगी आदित्यनाथ भूमाफियाओं पर सिकंजा कसने की बात करती है। वहीं दूसरी ओर एसडीएम सिकंदरा की मिलीभगत से भूमाफिया करोड़ों की जमीन पर कब्जा करते हुए नजर आ रहे हैं तथा निर्माण कराने में लगातार लगे हुए। जब इस संबंध में कुछ पत्रकारों ने एसडीएम सिकंदरा से अवैध निर्माण को लेकर बात करना चाहा तो कतराते हुए नजर आए, जिससे साफ उजागर होता है कि अधिकारियों की मिलीभगत से दबंग भूमाफिया सरकारी जमीन पर कब्जा करने में लगे हुए हैं। सर, आपका नाम, परिचय आपका? मेरा नाम हरि मोहन मिश्रा, पूर्व प्रधान राजधान। सर, जिस तरीके से राजधान ग्राम पंचायत क्षेत्र में दबंगे के बल पे यहाँ पर ये कब्जा किया जा रहा है, जीएस जमीन में या होलिका दहन का स्थल हो या सरकारी नाले के निर्माण, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि ग्राम प्रधान एक सबसे कमजोर कड़ी होती है और वो अधिकारियों के दर दर अपनी एप्लीकेशनें लेकर के घुमा करती है, लेकिन अधिकारियों का विवेक जो कहता है वो उनकी सही है। ग्राम प्रधान उनके सामने क्या है? हम 30 वर्ष से ग्राम प्रधान हैं, यहाँ की संपूर्ण परिस्थितियों से वाकिफ हैं। यहाँ पर जिस ढाल से पानी आता है और जिस ढाल से होता हुआ जहाँ से जैसा जाता है वो हमको सब जानकारी है, लेकिन इस समय के किसी कोई सुनने को तैयार नहीं है कि जो है ये क्या कह रही है। उस संबंध में तो हमने पहले भी एक बाइक दी थी जिसमें कि हमने ये कहा था कि अब इस समय वर्षा ऋतु नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में अब हम अपनी बात क्या सिद्ध कर सकते, केवल कह ही सकते हैं। अब इसके बाद में हमारा जब लगभग एक टिकवा खेड़ा का और हमारे राजधान का पश्चिमी भाग जब आगे डूबेगा तब जो है हमारी बात सही मानी जाएगी, लेकिन तब तो सब कुछ खेल बिगड़ गया होगा। हम लगातार ये कह रहे हैं कि जो है हमारे जो है जल बहाव का उसी तरफ को जो है गया है जहाँ पर ये अवैध निर्माण हो रहा है। ये अवैध निर्माण कौन कर रहा है, कहाँ रहने वाले हैं ये अवैध निर्माण? जिन लोगों ने जमीन खरीदी है, एक राजधान के भी है, कुछ जो है क्या नाम जो है इसके बदौली के हैं, कुछ खास बजा के हैं, ये सब लोग मिलके और एकजुट होकर के कर रहे हैं। राजधान में जितना भी कार होता है तो वो सब एकजुट रहते हैं। एक राजधान की विशेष बात ये है कि राजधान में इस टाइम पर तो बिल्कुल पंचायत चुनावों के कारण कोई भी कहने को तैयार नहीं, लेकिन हमको ये महसूस होता है तो हम अपनी बात अवश्य कहेंगे, क्योंकि हमको तो समझ में आ रहा है कि आगे जो है ये गांव हमारा एक जल भराव की स्थिति में डूबने वाला है और ये इसका जो है होली का जो त्यौहार आ रहा है, सैकड़ों वर्ष से होली जिस जगह पर जलती थी वो जगह सब कब्जा कर ली गई है, उसका फर्जी हाईवे से क्लेम भी ले लिया गया है गांव समाज की जमीन का। अगर अवैध कब्जे को लेकर अगर बात की जाए तो जिले की जिम्मेदार अधिकारी या तो सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो एसडीएम महोदय से क्या आपने शिकायत की थी? हमने जो है एसडीएम महोदय से शिकायत की, हमने जो है डीएम महोदय से शिकायत की, डीएम ने फिर एडीएम साहब को एप्लीकेशन दे दी, एडीएम ने फिर उन्हीं एसडीएम साहब को जो है कर दिया कि इसकी जाँच करें, और वो जाँच क्या करेंगे? लेखपाल ने दो तीन वर्ष बाद टीम बनाई, लेकिन टीम का जो है कोई सुनने वाला नहीं कि टीम के उसकी सब जांचें हमारे पास रखी हैं, कितना कितना क्षेत्र किसका है कोई यहाँ पर सुनने वाला नहीं। अगर कार्रवाई की बात की जाए तो जिले के जिम्मेदार अधिकारी जांच कार्रवाई के नाम देकर गोल गोल घुमा रहे हैं, सरकारी जमीन कब्जा करवा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है अधिकारी क्या मिली भगत है क्या? हमारे तो इस पंचायत चुनाव का नाजायज लाभ उठा करके गाँव पंचायत के पक्के घूरे सीमेंटेड प्लास्टर घूरे गिरा करके उस पर अनाधिकार कब्जा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं?
हम कुछ नहीं चाहते हैं, अपने मन में जो है अपनी पीड़ा दबाए हुए, और एक जो है इस टाइम की मौजूदा परिस्थिति को जो है हम अपने मन में ही रख रहे हैं, क्योंकि हमको पिछले 30 वर्षों का भी प्रधानी का अनुभव है, हमारे पास ही प्रधानी रही है। तो उस चीज़ से हम ये जानते हैं कि पिछले कार्यकाल में क्या मतलब है, अधिकारी कैसा निस्तारण किया करते थे और आज क्या कर रहे हैं। आज तो हम जो है बिल्कुल पूरी तरीके से तबाह आएंगे। तो आप किसको दोषी मानेंगे आप? हम तो अपने को ही दोषी मानेंगे, हम दूसरे को क्या दोष दें? अगर आपके होते हुए कोई बात सुनी नहीं जाती है तो हम ही तो दोषी हुए थे, क्योंकि हम जो है पागल बन के जो है चिल्ला रहे। क्या एसडीएम की इसमें मिली वगैरह है? एसडीएम की इसमें पूरी साठगांठ है।